अलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम लोग जा रहे हैं दावत में, तो पापा के फ्रेंड रिलेटिव हैं उनके घर पे दावत है, तो चलिए चलते हैं। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, मैं नीचे वेट कर रही हूँ, फंसी और फंसी इतना लेट कि चाबी लगा के आ रहे ऊपर की मैं क्या बताऊँ। तो बस चलते हैं, और अभी पता नहीं कितने बज रहे हैं, मैंने देखा भी नहीं है। मम्मी लोग ऑलरेडी जा चुकी हैं और हम लोग को लेट हो गया। ये देखिए इतनी देर से आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए, और मैं आपको बताना तो भूल ही गई कौन सी दावत में गए थे हम लोग। हम लोग गए थे कुरान खानी की दावत में, और यहाँ पे जब तक आए तो कुरान खानी हो चुकी थी, सब हजरत लोग पढ़ वढ़ के चले गए थे। तो आते ही हम लोग खाना खाने लगे, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था, तो खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद बस हम लोग सब लोग बैठे थे, बातें बातें कर रहे थे। ऐसे महफिल में बहुत दिनों के बाद सब ऐसे मिलते हैं तो बातें बातें करते हैं, अच्छा लगता है। A few inches later, फ्रेंड दावत के आने के बाद का सीन देखिए। वो भी देख के फैल गई हमको, यहाँ पे इधर फैल गई, ये इधर फैली हुई है। हम पहले से फैले हुए, मैं ही खाली नहीं फैली हूँ, बाकी सब आगे फैल गए। चावल अभी चावल ज्यादा हो गए जी। क्या प्लान आज का, कहाँ जाना आप? मुझे चलो वो दिला दो फोर ब्लैक से पैंट्स लेना, में जाएंगे मेरे को ले चलो। तुम क्या करोगे जाके फोर ब्लैक? क्या लेना तुम? आइसक्रीम मैं जाऊंगी, तू जाए, तू पढ़ कल इसका प्रिपरेटरी मैथ्स का। तुम्हारा भी तो होगा। मेरा नहीं है, मेरा कल कुछ नहीं है। अदीबा साड़ी दिखाओ अपनी जो तुमको उसमें पहनना है। नहीं मैं फेयरवेल पे दिखाऊंगी। फेयरवेल पे दिखाऊंगी, क्योंकि सबकी तो एक ही जैसी है, उसमें कौन सा है? फ्रेंड्स ऐसे ही देख लो आप, जब सिल के आएगी तब दिखाएंगे। अभी ये इसका ब्लाउज है, और ये वाली क्रेप, क्या है ये क्रेप साड़ी है, आज ट्रेंडिंग वाली साड़ी है, पता नहीं कौन सी। जब सिल जाएगी अदीबा पहनेगी। फेवरेट कलर कैसे लुक जान जाते? पर्पल। जब अदीबा पहनेगी फेयरवेल में तब दिखाएंगे आप लोगों को, लेकिन जब तक थोड़ी मोटी हो जाओ तो साड़ी और अच्छी लगेगी। मेरे को अभी कुछ भी नहीं लग रही, मेरे को इतनी गर्मी लग रही है। जाओ चेंज करो ना। नहीं अभी मैं अपने साथ फोर ब्लॉक ऐसे लगा भैंस को साड़ी पहना जी। आज भी फोर ब्लॉक जाना करता तुम्हारे साथ। तुझे गोवा वाली आइसक्रीम का कौन गोवा अमरूद वाली आइसक्रीम वहाँ कहाँ मिलती है जी? मुझे काफी बहुत दिन हो गए सोडा नहीं पिया। सोडा नहीं पिलाएगा तो बहुत दिल से तुम्हें सोडा सोडा जी सोडा मसाला वहाँ पे सिर्फ ये मिलता है गन्ने का जूस बस बॉटल वाला। मम्मी से तो पूछो नहीं, मम्मी तो नींद मार रही, मम्मी कहेगी मुझे नहीं मालूम भैया यार जहर खाने के पैसे नहीं। देखो हाथी बैठ मम्मी कल अदीबा के लिए झुमके लाई, पहन के चलना था। फ्रेंड्स मैं भी टायर्ड हो गई हूँ, लेकिन मुझे जो है क्या कहते हैं फोर ब्लॉक जाना है, क्योंकि मैं कुर्ते लाई थी जूडियो से, लेकिन आपको दिखाया नहीं। इंशाल्लाह हो सकेगा तो ब्लॉग में दिखाऊंगी कुर्ते जूडियो से लेके आई थी, लेकिन उस समय मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हम लोग गए थे। तो उसका जो पैंट है ना वो नहीं है मेरे पास, सिर्फ कुर्ते ही कुर्ते लिए थे घर में पहनने के मैंने, तो इसलिए मैं फोर ब्लॉक जाना पड़ रहा है पैंट लाने के लिए। और ये ब्लॉग के लास्ट में मैं आपको कुर्ते दिखाऊंगी, चार कुर्ते लाई थी मैं 399 के, अच्छे हैं डेली यूज में पहनने के लिए। अब छोड़ो, अच्छा झुमका जा रहे हम। देखो यार कितना बज रहा है, 5:30 हो गया। मैं भी चलूंगी ऐसी, देखो मेरा इसको ले जाओ। हां सुकून ले जाओ। तुम करोगे क्या? लेना ना देना। मैं घूम के आना चाहती हूँ, बहुत दिन हो गए। नहीं जाना है, मम्मी को ना कर दो ये। मम्मी को बोलने से पहले ले जाओ। फ्रेंड्स अदीबा कह रही है उसके झुमके देख लिए, कल मम्मी लेके आई उसके लिए। ये हमें फेवरेट की साड़ी को, साड़ी के ऊपर ही अच्छे लगेंगे। अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे। अम्मी साड़ी पे अच्छे लगेंगे ना ये? नहीं पापा इधर आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि लड़कियां ऐसी पहन रही हैं आजकल। अच्छे लगेंगे साड़ी, वो वेस्टर्न टाइप है थोड़ी। नहीं अदीबा वेस्टर्न अच्छे लगेंगे, क्यों उस साड़ी में इतना काम है? ब्लाउज में वेस्टर्न है वो? हां तो पूरी तो प्लेन है।
अभी हम लोग आए 4 o'clock, अदीबा भी आई है हमारे साथ क्योंकि अदीबा को भी जूडियो जाना है टॉप लेने, तो चलिए चलते हैं देखते हैं। पहले तो चल के पैंट ले लेते हैं 4 o'clock से। हम लोग जो दावत में पहन के गए थे वही पहन के था यहाँ पे सब लग गया क्योंकि चेंज करने का टाइम नहीं था फ्रेंड, पहले ही शाम हो चुकी है और मैंने क्या पहना सूट पहना क्योंकि टाइम हो गया ना, शाम हो गई है। इधर जो है बस स्टॉप है और इधर 4 o'clock बस स्टॉप के बिल्कुल सामने, बहुत बड़ा ही बस स्टॉप नहीं है। हाँ अंदर लोग सो भी सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है 4 o'clock नहीं नहीं रुको और घुड़ घुड़ के दे स्ट्रेचेबल है अभी तो फ्रेंड्स मैंने स्ट्रेटमेंट ले ली, एक वाइट एक ब्लैक जो हर कुर्ते के ऊपर चल जाएगी आराम से और स्ट्रेचेबल थी तो बहुत अच्छा, और उसका जो मटेरियल था ना वो भी बहुत अच्छा। तो अभी हम लोग आ गए उसके बगल वाली शॉप में, मतलब जहाँ से मैंने पैंट लिए ना उसके बगल वाली शॉप में आ गए। यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी, मतलब जो लड़कियाँ दीवानी होती है ना चीज़ों की, एक्सेसरीज जो लड़कियों के काम की होती है ना, वो पूरी भर भर के थी ये दुकान में। तो यहाँ पर आने का मकसद था कि अदीबा की जो साड़ी है ना उसके ऊपर की एयरिंग्स लेना था मैचिंग की, और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी एयरिंग्स थी ना, मल्टी कलर्स की और हर कलर की एयरिंग्स थी जो आजकल ट्रेंडिंग चल रही है, ऑनलाइन भी मिल जाएगी आप लोगों को, ऐसी ऐसी कलेक्शन था इनके पास। तो मुझे देख के ही मेरा दिल ऐसे होने लगा कि मैंने कहा अदीबा तुम्हारे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है ये वाले एयरिंग्स, मतलब कि जब साड़ी पर पहनेगी ना तो इतने मस्त लगेंगे ना ये, बहुत ही मस्त थे। लेकिन हाँ थोड़ा सा हाई रेट था, लेकिन उनके पास 10% वो डिस्काउंट भी दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं और कलर्स हैं फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। ये भी अच्छे हैं, नहीं लगा दो लग नहीं, ये भी है, ये ऐसे ये कितना ये ले लो 195 अच्छे है ना। हाँ ये 195 ये अच्छे हैं। कम करते ये भी अच्छे थे, कहीं बड़े बहुत अब इससे बड़े भी हैं अभी इससे बड़े भी अच्छे है ना ये। हाँ
भाभी कितने दूर है। अपी ये देखो अपी बो बो वाओ कितना क्यूट है। क्या देखना अच्छा कितना भैया और ये सिंपल लग रही है जो बोल आता है तो फ्रेंड्स अभी हम लोग वहाँ से आ गए जो आउटसाइड पे शॉप थी वहाँ आपको मैंने दिखाया। अभी हम लोग जा रहे हैं फोर ब्लॉक के अंदर इनसाइड। वो शॉप में बहुत अच्छे इयररिंग्स थे लेकिन बहुत ज़्यादा हाई रेट था, जैसे कि मैंने आपको बताया 10% ही ऑफ था और मेरे बजट में नहीं आ रहा था, हम दोनों ही के बजट में नहीं आ रहा था, अदीबा को चाहिए था, तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि एक बार अंदर जाके भी चेकआउट कर लेते। तो जब भी मार्केट आओ ना तो एक ही शॉप से कभी भी नहीं लेना चाहिए, एक दो जगह चेकआउट करने के बाद ही लेना चाहिए। तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं फोर ब्लॉक के अंदर मेन मार्केट में और वहाँ पे एक शॉप है जहाँ से मैंने 2 या 3 बार परचेस किया है। वहाँ पे बहुत अच्छे क्वालिटी का इयररिंग्स वगैरह मिल जाते हैं, कुछ भी मिल जाता है इयररिंग्स वगैरह, तो क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। जैसे कि मैंने वहाँ से बटरफ्लाई वाले इयररिंग्स लिए थे और चेन लिए थे, ये आप देख सकते हो यहाँ, ये इनका शॉप का बाहर वाला साइड है, फ्रंट साइड है। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऑल टोटल चीज़ें। तो यहाँ पर मुझे ये वाले इयररिंग्स अच्छे लगे थे, ये गोल वाले, और बहुत अच्छा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई है और इनका फिक्स रेट है, ये बिल्कुल भी कम नहीं करते, एक पैसा भी कम नहीं करेंगे, फिक्स रेट है। लेकिन क्वालिटी आप लोग चेकआउट करो फ्रेंड्स, क्वालिटी बहुत अच्छी थी यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा हाई रेट आपको मिलेगा और वो तो क्वालिटी के साथ हाई रेट तो मिलना ही है। तो बस देखते हैं, अगर पसंद आ गया तो ले लेंगे। वैसा डिज़ाइन नहीं मिला जैसा लास्ट दुकान में मिला था, लेकिन अदीबा को चाहिए था वैसा डिज़ाइन। और अदीबा यहाँ पर नेकलेस वगैरह भी चेकआउट करिए, कह रही थी मुझे नेकलेस भी दिला दो। अब भी देखो यहाँ पर दिखा रही है आप लोगों को, तो देखते हैं ले लो ना छोटा सा नेकलेस भी, छोटे छोटे कैन के वैसे। हाँ भी है ले ला, वो है ना थोड़ा नेकलेस टाइप का, इतने बड़े पहनोगे? हाँ 300 का, इतने बड़े नहीं, ये 199 छोटे लो कहाँ आए, ये दिवा 299 के वैसे पूरा सेट नहीं मिलेगा, पूरा सेट पे नहीं है अलग रहता 299 जो आएगा वही है। ऐसा वाला है ये, अच्छा है अब ये तो वो है ना, फिर नेकलेस है। हाँ जी ये बोलो, हाँ के पास तो वाइट सिर्फ नेकलेस है, सिर्फ नेकलेस। हाँ ये तो बहुत बड़े हैं, छोटे तो वही है, इससे छोटे नहीं है, इससे छोटा नहीं, बराबर है ना, उससे छोटा होना तो स्टेप पे है, ये चलेगा, यही आएगा, ये भी छोटा है ना, सिर्फ इसका ये लॉन्ग है,
ये छोटा है। रेट फिक्स है आप बता रहे हैं? भाई फिक्स है रेट मैडम। लिया था मैंने, क्वालिटी अच्छी थी उससे। अच्छा वाइन कम मिल रहा था अभी। तो फ्रेंड्स अदीबा ने वहाँ पे भी नहीं लिया और अदीबा को बस लास्ट दुकान में जो एयरिंग्स अच्छे लगे थे ना वही डिज़ाइन अच्छा लगा और उसको वहाँ पे कोई भी डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा और कह रही थी अपी यहाँ पे तो रेट भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे फ्रेंड 10 रुपीज़ में बटरफ्लाई वाले आपको यहाँ पर देख सकते हो आप लोग क्लिप्स मिल रहे हैं, जो बाल में क्लेचर लगाते हैं ना वो 10 रुपीज़ के आपको यहाँ पर बटरफ्लाई वाले मिल रहे हैं। तो अभी हम लोग वही ले रहे थे, यहाँ पर देख रहे थे, देखिए कितने प्यारे प्यारे ना डबल वाले, तो बस हम लोग वो देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स शॉपिंग वगैरह तो सब हो गई है, अभी हम लोग आगे कूल जॉइंट। जैसा कि अदीबा ने आपको बताई है कि घर में कह दिया था कि मुझे खानी है आइसक्रीम, मुझे भी चलना है आप लोगों के साथ, तो यहाँ पे फंसी लेने गए थे उसके लिए आइसक्रीम अंदर। उतनी देर में उसने देखा पोटैटो ट्विस्टर जो वहाँ पर लोग खा रहे थे, तो उसका मन बदल गया और फंसी को बुलाया वापस। और यहाँ पर देखिए पोटैटो ट्विस्टर लेके कितनी खुश हो रही है, तो उसको खाते हुए भी मुझे भी अच्छा लग रहा था। फिर मैंने यहाँ पर मंगाया सब पहली बार ज़िंदगी में फ्राइड मोमो, मैंने ज़िंदगी में कभी भी फ्रेंड फ्राइड मोमो नहीं खाए, नॉर्मल स्टीम मोमो खाए, लेकिन जब मैंने ये फ्राइड मोमो ट्राई करे ना फ्रेंड्स इतने ज़्यादा गर्म थे कि मेरी तो मुंह ही जल गया, लेकिन खाने में इतने टेस्टी थे ना, इतने टेस्टी थे कि मेरा मन कर रहा है कि फिर मैं जाऊँ और खाऊँ। वीडियो में देख देख के मुझे अभी भी मुँह में पानी आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ हमेशा की तरह 4 ब्लॉक का फेमस गन्ने का जूस पीने के लिए, शुगर केन का जूस पीने के लिए। तो मैंने लिया, अदीबा ने लिया नींबू फ्लेवर और फसी ने अपना पुराने वाला चाट फ्लेवर। तो पीते हैं और फिर चलते हैं। A few moments later. खा पी के सब हो गया है। ट्विस्टर अच्छा था, ट्विस्टर मस्त था, ट्विस्टर मस्त था, खाने मस्त था ट्विस्टर। तो हम लोग ने पी लिया हमेशा की तरह शुगर केन जूस। अब हम लोग जा रहे हैं जूडियो, जा रहे हम लोग, शायद मम्मी के लिए समोसे लेंगे लेंगे कोई बात नहीं, यहाँ के अच्छे रहते हैं इसलिए जाएंगे जी, कोई बात नहीं, कभी कभी वहाँ के अच्छे नहीं रहते, कोई बात नहीं, ठंडे ही खा लेंगे। ठीक है फ्रेंड चलते हैं, देखते हैं जहाँ मंजिल लेके जाते हैं। सदीवा को ये चाहिए पांडा, पांडा नहीं है ये यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न था मुझे ये चाहिए था बचपन में। फसी ने तुमसे क्या कहा था? फसी ने एक बार अदीबा से प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे बर्थडे पे जो है ये देंगे, बहुत बड़ा सा टेडी बियर। हाँ और आज तक टेडी बियर डिलीवरी नहीं, टेडी बियर नहीं दिया, अदीबा खुद इतनी बड़ी हो गई। मैं बचपन बहुत सारी चीजें थी जो मुझे, हाँ जैसे कि एक पैर वाली वो जो थी ना अपनी, एक पैसे से करके चलाते हैं, स्केटर, स्केटर स्केटर्स नहीं, स्केट नहीं, वो स्कूटी टाइप आती है ना, अच्छा वो हाँ वन लेग वाली, हाँ वो। और फिर क्या कहते हैं डॉल हाउस जब मामा को वो भी नहीं मिला, हम लोग ढूंढना जरूर, लेकिन सादा लेकिन पापा ढूंढते थे लेकिन मिलता नहीं था, लेकिन मॉल में मिलता है अब। अब मॉल क्या, वही थी अब विशाल मेगा मार्ट का, वही इतने बड़े बड़े पड़े हुए। लेकिन अब फायदा क्या, तुम इतनी बड़ी हो गई तो, उस टाइम कितना शौक था ना वही।